करीब 25 पाउंड की मेरी ग्रोसरी हुई है। और अगर कोई दारू दूरू पीता ना तो भाई ये आपके सेक्शन आ गया। वेज थोड़ा सा रह गया यहाँ पे। इतने फैन है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको भाई, डंबल से लगा लगा के थक गए, फाइनली मशीन पे आ गए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आया हूँ लिटिल शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग कह रहा हूँ सॉरी, ग्रोसरी करने के लिए। ये कुछ इस तरह देखता है मेरे घर के पास ही लिटिल वाला। बहुत टाइम हो गया यार, लाइक एक हफ्ता हो गया ग्रोसरी करने ही नहीं आया, तो अब मैं ग्रोसरी करने आया हूँ। ग्रोसरी करते हैं, एग्स वगैरह लेने हैं, मेन मेरे को अपना प्रोटीन का इनटेक पूरा करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रोटीन इनटेक मेरा पूरा हो नहीं रहा। ठीक है, आज मैं लेता हूँ अच्छी खासी डाइट का सामान, करते हैं प्रोटीन का इंटेक पूरा, ताकि अच्छे से फिर मैं स्ट्रेंथ पे भी फोकस कर पाऊँ और अच्छे से फिर मैं अपनी फिजिक पे ध्यान दे पाऊँ, है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी मंथली ग्रोसरी का कितना खर्चा आता है, वीकली का क्या हिसाब है, मैं आपको पूरा पूरा हिसाब किताब बताऊँगा कि कितना कितना खर्चा आता है, मोटा मोटा बता रहा हूँ, मिसलिंग इस खर्चे निकाल के भी आप कितना बचा लोगे या कितना खर्चा तक आ जाएगा, तो सारा सारा बताऊँगा आपको डिटेल में। तो भाई मैंने इस वक्त ले लिए अंडे की एक पेटी, ये देख लो भाई, एक पेटी अंडे की है, तो इसमें करीब 9 अंडे की ट्रे है, 10 अंडे पर एक ट्रे में होते हैं। ठीक है, तो एक अंडे की ट्रे है 1 pound 33 pence की, तो लगा लो मोटा मोटा 9 करीब 10-11 pound के आसपास के, तो 90 eggs है। और ये है बनाना, पाँच पीस बनाना है, इसमें 80 pence के हैं, ये राउंड 78 pence के हैं, लगा लो 80 pence ही होंगे। चिकन मिले नाम है, तो ये देख लो चिकन विंग्स है यहाँ पे 1 किलो 2 pound के। ठीक है, और अगर मैं बाकी होल चिकन की बात करूँ तो ये है इतना इतना वेट है इसका, ये इसका प्राइस है। ठीक है, मैरिनेटेड भी मिल जाते हैं यहाँ पे, बाकी नॉन वेज वाले आइटम है यहाँ पे सारी। ये लेफ्ट साइड आपको चीज़ वगैरह मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को लेनी है भाई ये वाली जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट रेगुलरली लगा लो 83 pence के 15 slices हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, अगर आपको कर्ड में भी प्रोटीन चाहिए ना, लाइक योगर्ट वाले जो भी होते हैं, ठीक है, तो हाई प्रोटीन नेचुरल 55 grams प्रोटीन है इसके अंदर, तो ये इतने प्राइस का। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पे और भी बहुत कुछ है यार, दही दही बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन जो मैं पर्सनली दही खाता हूँ ना, एक तो ये वाला, ये आ गया फैट फ्री, और ये होता है क्रीमी। ठीक है, ये हाई इन प्रोटीन है भाई, ये भी हाई इन प्रोटीन होता है, ये 35 pence का आधा किलो, और ये भी 80 pence का आधा किलो, तो ये वाला थोड़ा टेस्टी है, ये वाला भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मेयोनीज़ की तरह लगता है मेरे को, ये थोड़ा एक्चुअल नहीं लगता है। फिलहाल के लिए तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये मेरे को काफ़ी मस्त लगता है, इसमें प्रोटीन करीब करीब 17 ग्राम प्रोटीन है, इसके अंदर भी बड़ा मस्त है, 1 pound का ये है, तो एक ये ले रहा हूँ। पर ये दूध का प्राइस है 145 का होल मिल्क है, ये करीब करीब 2.5 liter दूध है। ठीक है, सामान हमारा हो गया ज़्यादा, हमको ट्रॉली एक और लेके आनी पड़ रही है। चल चलते मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पर ना ये केक्स मिलते हैं, चीज़ केक्स भाई इतने टेस्टी होते हैं ना, ये एक यहाँ पर 85 pence वाला भी, ये भी बड़ा टेस्टी यार, ऐसा नहीं है कि सस्ता है, सस्ता तो है ही लेकिन टेस्टी भी बहुत है यार। और अगर कोई दारू दूरू पीता ना तो भाई ये आपके सेक्शन आ गए। देख लो यहाँ पे दारू दूरू भी सस्ती है। ठीक है, तो देख लो भाई, मेरा कोई आइडिया नहीं है इसका, आप देख लो ऊपर ऊपर से, ये रेड वाइन है जो भी है, सस्ती है 400-500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, बहुत सस्ती है यहाँ पे दारू दूरू भी, मैं तो पीता ही भाई। ये देख लो बियर जो भी है, मेरे को नहीं पता, ये ऊपर लिखा हुआ है तभी बताया, मेरा कुछ नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्या नहीं, देख लो अपने हिसाब से। अब मैं अपने लिए खाली 2 bottles लूँगा, ठीक है, और अपने रूममेट्स के लिए अभी मेरे को लेनी है 3, तो वो भी लूँगा यहीं से ही। बाकी पिज़्ज़ा वीज़ा भी मिल जाता है, सस्ता ही है, 4 pound से शुरू है, 3 pound से, तो ये देख लो प्राइस वगैरह इसके, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी है। हाँ ये मतलब अपने इंडिया वाले यार, फिश पकौड़े ही यार, कर्नाटा इसकी सब्जी बना के खा लेना, मस्त बनती है। मैं का शौकीन है ना यहाँ पे आके ले लेना भाई, 7 pound का इतना बड़ा पैकेट मिल जाएगा, आइए 1 किलो है ये, सही है। तो अभी तो जैसे कि मैं अपने डाइट का सामान ले रहा हूँ ना, तो मैंने करीब आपको जैसे बताया, मैंने 9 egg की ट्रे ली है, ठीक है, जिसमें 10 egg हैं एक ट्रे में, 1 pound 33 pence का एक है, और फिर 4 केले के मैंने पैकेट लिए हैं जो 80 pence के हैं। ठीक है, और साथ साथ मैंने 1 pound का दही लिया है, ठीक है, सैलमन लिया है, वो है करीब 3 pound का। ठीक है, तो मोटा मोटा लगा लो 20-25 pound की मेरी ग्रॉसरी है, जो ये चलेगी करीब 10 से 15 दिन चल जाएगी मैक्स, 15 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को फिर आना पड़ेगा, तो दूध छूट तो चलो ख़त्म हो ही जाएगा, 5 liter तो दूध मैंने लिया हुआ अपने लिए, तो वो भी चल जाएगा करीब 5 दिन चल जाएगा। ठीक है, तो लगा लो करीब 25 pound की मेरी ग्रोसरी हुई है अपनी 15 दिन की। ठीक है, तो 25-25 देख लो, फिर आप मंथली का देख लो कितने कितने बन जाती है, अगर जिम के हिसाब से देखो तो, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो भी आप कितने के आसपास ही बनेगी, क्योंकि वेज थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं बट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, टेस्को वगैरह में आपको वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाएंगी, सुपर मार्केट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी,
तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे वेजिटेबल्स थोड़ी सस्ती, फैलकन से मिल जाएगी थोड़ी सस्ती, बट हाँ इतनी भी सस्ती नहीं है, महंगी मिलती है आपको। भिंडी अगर आप लेना चाहते हो ना तो आपको 300 ग्राम भिंडी आपको 1 से 1.5 पाउंड की पड़ेगी, तो मतलब लगा लो फिर आप अगर एक बंदा हो 300 ग्राम भिंडी क्या चीज़ है। तो ऐसे वेजिटेबल्स थोड़ी महंगी हैं, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो आपके सही है जुगाड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन की तो भाई बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेज वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। बाकी मंथली अगर ग्रॉसरी की बात करूँ तो मंथली ग्रॉसरी भी आपकी अराउंड अबाउट 150 के आसपास ही पड़ती है, मेरी भी इतनी पड़ती है, जबकि मैं नॉन वेज ही खाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वेज का भाई नहीं बनता, 12 नहीं खाता मेरे को, क्योंकि मेरे को 4 से 5 टाइम मील ही नहीं होती दिन की, तो मेरे को 12 नहीं खाता। कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीने के फ़ैन हो तो आपको पूरी पूरी पेटी भी मिल जाती है भाई, बहुत सस्ती मिलती है, ठीक है। तो प्राइस वगैरह देख लो आप, यहाँ पे पेप्सी वेप्सी भी मिल जाती है, देख लो। यहाँ पे मॉन्स्टर तो भाई बहुत ज़्यादा चलती है, मॉन्स्टर के लोग इतने फ़ैन हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे को तो एक दो फ्लेवर अच्छे लगते हैं, नाम मेरे को पता नहीं है, एक तो पीस फ्लेवर पता है मेरे को, और किसी को कोई फ्लेवर वगैरह नहीं पता, वो अच्छी लगती है, वो टेस्को से मिलती है, लिटिल में शायद मॉन्स्टर नहीं मिलती, एक ही फ्लेवर मिलता है ये वाला, और रेड बुल मिलती है भाई, रेड बुल भी लोग यहाँ पे बहुत पीते हैं, बट हाँ मॉन्स्टर का क्रेज यहाँ पे ज़्यादा है, रेड बुल से भी ज़्यादा। मैं आपको ना एक स्कैम बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये देखो, ये है 1.5 पाउंड का, इतना इतना इसका वेट है, देख लो आप, ठीक है। सब लेना पास्ता ही, ठीक है, इसमें वीट तो है ही है, साथ साथ मे बी कंटेन्स एग्स, एग एंड सोया, ठीक है। नीचे लिखा गया है इन्होंने, वीगन का साइन भी लगा है, ठीक है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन्स, ठीक है। तो आप समझ जाओ यहाँ पे ना जो एग और जो फिश है ना, ये भाई उसको वेज में ही इंक्लूड करते हैं, तो जब भी आप यहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हो ना, तो उनसे एक बार पूछ लो कि ये वेजिटेरियन भाई है कि नहीं है, तो उनको भाई डायरेक्टली पूछ लो कि इसमें एग और फिश दोनों ही नहीं होनी चाहिए, वरना भाई आपको नॉन वेज खिला देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उसकी बहुत सारी वैरायटी है, बट यहाँ पर थोड़ी कम है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। टमाटर का प्राइस 95 पेंस का ये एक पैकेट है, और ये आगे शिमला मिर्च, जब आगे जाओगे ना सेक्शन पिक ऑफ द वीक जहाँ पे लिखा हो ये, ठीक है, यहाँ पे आपको और सस्ता प्राइसेस में ये सब सामान मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ लगा होते हैं ना, जो चीज़ें जल्दी ऑलमोस्ट ख़राब होने ही वाली होती है ना, लाइक जिनकी 4-5 हज़ार की जो शेल्फ लाइफ बची होती है, तो वो आगे लगा रहे थे काउंटर पे, तो वहाँ से लोग उठा के आए थे सस्ते में। अब जैसे कि मैंने एग्स लिया ना, तो पर हेड 3 एग की ट्रे ही ले सकते हैं, बट मैंने तो भाई 12 अंडे की ट्रे ले ली हुई है, ठीक है। तो मेरे सब बंदे ज़्यादा हैं, तो मैं सब एक एक बंदे के ऊपर मैं 3-3 ट्रे पकड़ के भाई संभाल ले रहा हूँ यहाँ पे। लो भाई बेसिल, जो मेरे तुलसी के पत्ते होते हैं, यहाँ पे कितने के हैं, कहाँ गया, ये 52 पेंस के, ये इतने से मिलेंगे भाई इंडिया में, तो भाई तोड़ो भाई, कहीं से भी निकाल लो, इसे तोड़नी नहीं चाहिए। ये ब्रोकली है, ब्रोकली ऑर्गेनिक ब्रोकली 95 पेंस की, ठीक है। गाजर भी भाई इनकी लोकल 90 पेंस की, ओ सॉरी 1 पाउंड की, ठीक है। गोभी वोभी सब है भाई, अदरक तक मिल जाती है। ये 1 किलो का प्राइस है, ये इतना आई गेस सो इतना ही है, हाँ। तो बाकी टमाटर वमाटर रखी रहे भाई, मिर्ची का साइज भाई साहब, ये तो महीना नहीं ख़त्म है, लग गया भाई हम लाइन में, सामान वामान ले लिया हमने, ठीक है, कराते बिल्डिंग और चलते घर पे। फाइनली घर पे आ गए हैं, ग्रॉसरी व्रॉसरी करके। ये देख लो भाई अंडे की ट्रे, कमरे की हालत भी ऐसे ऐसी हुई पड़ी है। ये चिकन, अब हम चलते सीधा जिम में, फिलहाल कुछ बनाते खाते हैं फिर चलते। चलो भाई खाना वाना बना दिया हमने, ये देख लो ब्रेड ऑमलेट बनाया है, बी ने बनाया है ये अपने अंडे भुर्जी, तो अब हम खाते हैं और चलते हैं फिर जिम में, अभी नहीं आते, 1 घंटे बाद ही जाएंगे। तो भाई हम आ गए डायरेक्ट जिम, -4 डिग्री में हम आ चुके हैं जिम, डेडिकेशन देख रहे हो। चलो यार बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी सी स्मेल आई भाई, बहुत नशे करते हैं आके लोग, आप मत करने लग जाना जब हम यहाँ पे हो गए, ठीक है। शाबाश भैया, एक स्कूप लो सीधा पानी पियो और पानी पी लो यार, ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा है, क्या बात कर रहे हो। आज हम लगाएंगे कुछ भी नहीं शोल्डर का सोचा, बाकी देखते हैं। तो भाई आज हम लगाएंगे शोल्डर और अपर बैक, फिलहाल हम जा रहे हैं मिलिट्री प्रेस लगाने के लिए, बाकी धीरे धीरे आपको बता दूँगा उन उनसे एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छी डिसाइड हुई है साथ साथ। ये वाली एक्सरसाइज मेरे को नहीं पता भाई कौन सी मशीन है, पहली बार देख रहे हैं वाली मशीन, बट जो भी है सही है ट्राई करते हैं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज मानने लेटर रेजिस, ठीक है, इसकी प्रॉपर मशीन है भाई, देख लो बहुत मस्त मशीन है, हम भाई डंबल से लगा लगा के थक गए,
फाइनली मशीन पे आ गए। ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है अगर हम मशीन पे करें डंबल पे करें। आप ये जो लेटरल रेजेस इतनी तगड़ी मशीन है ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लेटरल को ही इफेक्ट हो रहा था भाई। क्या ही पंप हुआ है भाई, मैं जाके भी ना फ़र्क है बहुत ज़्यादा। डंबल्स में अलग डिफरेंस आता है और मशीन पे बहुत तगड़ा भाई, बड़ा तगड़ा इफेक्ट आ रहा है भाई। मजाक के बिना तगड़ा पंप हो गया, तीन सेट में वही लग रहा है भाई, पता नहीं कितने एक्सरसाइज लगा ली कसम से। ऑल टाइम फेवरेट लैट पुल डाउन भाई, प्यार है ये प्यार भाई। जो पंप आया ना आज, अभी तक का सबसे बेस्ट पंप आया है। आज दूसरा ही दिन है वैसे, अभी तक का क्या ही दूसरा दिन है और इतना तगड़ा पंप आया ना भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ ऐसे पंप ये बेबी भैया, मैंने एक चीज ट्राई करनी है, मैंने हैंड स्टैंड करना, मेरी वीडियो बनाओ। दो तेरे की कनेक्टिविटी करूं, गिरता हूं तो घर पे जाम होगा ना। हां यार -5 डिग्री वैसे लगेंगे भी ज्यादा, बाजू में दम ही नहीं है। तो दोस्तों मैं कैलिस्थेनिक शुरू करने वाला हूँ अभी, कल नहीं, कल करो सो, आज करो, आज करो सो, अब लॉकर रूम में करेंगे। गिर गया तो घर पहुंचा दोगे ना? हाँ चलो भाई दोस्तों, अब हम चलते हैं घर पे, ठीक है। जो हमने उल्टे सीधे काम करने थे, पखंड करने थे, वो कर लिए। पखंड मतलब क्या ही बोलूँ यार उसको, सॉरी, हाँ पखंड मतलब यार को करिकुलर एक्टिविटी मेरी तरफ से, कुछ भी बोल रहा हूँ समझ आना यार, ठीक है। तो हम जाने लगे हैं घर पे। और मेरे को बड़े सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपको ऐसा शाय फील नहीं होता जब आप वीडियो बनाते हो ऐसे लोगों के सामने, मतलब बेशर्म हो गया हूँ मैं। ये देख लो यहाँ पे फ्री बीस डबल मिलते हैं, उड़ा रहे हैं। तीन बोतलें पी गए, चौथी एक और लगा बनाने, निकाल लो ना। ये देखो यहाँ पे हम फ्री बीस डबल भरेंगे, देखो यहाँ पे कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे फिल करना है, डायरेक्ट बीस डबल आएगा भाई। बोतल तो भर लो, खोल लो, सॉरी बीस डबल आएगा। जैसे मेंबर नॉट फाउंड, क्या चक्कर है? गलत डाल दिया क्या? छोड़ मोड़ दी क्या? कौन सा फ्लेवर, कौन सा नहीं दिया? मैं बोलने वाला था पियर ले लो, लेट्स शेक इट भाई। लो देखो पानी कितना लगता है मेरे को पता नहीं क्यों, हल्का सा फ्लेवर ही आता है इसका। वैसा ऐसा नहीं कि बड़ा तगड़ा, लेकिन है बी सी डबल है भाई, बड़ा उमा है। पानी कितना दिखता है वैसे, तो टेस्ट अच्छा है वैसे इसका। लेट्स गो घर पे, ठीक है। ये ऐसे बंद हुआ ये वाला, अब खुलेगा यहाँ से, खुल जा सिम सिम। चलो जी लेट्स गो टू होम। अब मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअल में डाइट क्या खाता हूँ, क्योंकि कल तो मैं दिखाई नहीं पाया भाई। मैं खा के याद आया कि भाई मैंने बताना भी था कि मैं डाइट में क्या खा रहा हूँ, तो मैं आज दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या खाने वाला हूँ। मैं डाइट -2 या -3 डिग्री में निकले थे घर से, ठीक है, -5 डिग्री हो रहा है, ठीक है। सोच लो इतनी ठंड में भी हम जिम जा रहे हैं, जिम से आ रहे हैं, डाइट बना के खाएंगे। देखो डेडिकेशन देख रहे हो हमारी कितनी ज़्यादा है। अब जो नहीं जा रहे हैं ना भाई, एक्सक्यूजेज देना बंद करो और जिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, फिट रहो। एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे ब्रो, ठीक है, आज के ज़माने में नो एक्सक्यूजेज, ओनली वर्क हार्ड, ठीक है। नहीं चलो ठीक है भैया, फिर बाय बाय, मैं करता हूँ कॉल बैक, टेक केयर, गुड नाइट। चलो भाई हम चलते हैं घर पे, इनका घर मेरा घर पास ही है, 2 मिनट का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं घर पे, डाइट वाइट बनाते हैं। अभी तो मैं सोचा कि एग्स पड़े हुए हैं, आज ही लाया था वैसे भी ग्रोसरी, मैं भूल जाता है पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अभी बनाते हैं करीब, अभी मैं बताऊँ क्यों यार, आप खुद ही देख लेना कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छी डाइट बनाता हूँ वैसे, दिखने में तो बड़ी सुंदर होती है, लेकिन जब खाते हैं ना तो पता चलता है कि भाई कैसा है कैसा नहीं एक्चुअल टेस्ट। अगर भरोसा नहीं हो रहा ना कि -5 डिग्री में ऐसे ही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, एक तो पहली बात है धुआं तो ठीक ठाक निकला मेरे मुँह से, आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात है ये गाड़ी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बन चुकी है, देख लो जो भी होती है, समझ जाओ यार, मेरे को नहीं समझ आता इसको क्या बोलते हैं। मैं तो इसको ओस बोल लो, ओस बोलेंगे इसको, पता नहीं जो भी है, समझ जाओ, ठीक है। ये हो गया, इतनी ठंड है फिर भी जिम जा रहा हूँ। जिम जाओ भैया, जिम जाओ, लड़कियाँ छोड़ के जा रही हैं तुमको, ये लड़के तुमको छोड़ के जा रहे हैं भाई।
कोई मूव ऑन नहीं करना, मूव ऑन करो जिम के साथ, ठीक है। लड़का लड़की में कुछ नहीं रह गया आज की डेट में, मैं सही बता रहा हूँ। जिम विम जाओ, बॉडी वॉडी बनाओ, अच्छी डाइट खाओ, डैट्स इट। और जिम भी मैं कोई बहुत जल्दी थोड़ी गया हूँ, जिम में गया था 12:30 बजे, सॉरी 12 बजे, और इस वक्त बज रहे रात के 2। अब तो भाई एक्सक्यूज़ तो भाई आपकी तरफ से कोई ना ही है, तो ही सही है। जिम विम जाओ, मेरे को टैग करो इंस्टाग्राम पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करोगे, अगर कर रहे हो तो। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी टिप्स चाहिए, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे, मेरे को पूछो, मैं तुमको अच्छा सा डाइट प्लान भी बना के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई डाइटिशियन हूँ, बट हाँ मैं अच्छी एक डाइट बना के दे सकता हूँ प्रॉपर, कि हाँ आपको क्या खाना चाहिए अगर आप गेनिंग पे हो, और क्या आपको खाना चाहिए अगर आप कट पे हो। अगर बल्किंग करनी है तो भी आपको आइडिया दे सकता हूँ, तो भाई अगर आपको कटिंग करनी है तो भी आपको आइडिया दे सकता हूँ, वेट लॉस करना, वेट गेन करना, जैसा भी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एडवांस लेवल का बंदा हूँ, बट हाँ मैं आपको अपने आइडिया से, अपने नॉलेज से आपको अच्छा ही गाइड करूँगा, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, DM कर लो मेरे को इंस्टा पे, इंस्टाग्राम मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना आप, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ, तुम्हारा भाई बैठा यार। तो भाई ये देख लो मेरी डाइट आज की, ये मल्टीविटामिंस, ठीक है, ये इम्पैक्ट का क्रिएटिन है, ये एग्स हैं, और ये बनाना, मैं क्या ही बता रहा हूँ यार, ये क्रिएटिन और ये वे प्रोटीन और दूध और, तो यही है मेरी डाइट फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जिसमें से मैं अभी 8 अंडे खाऊँगा, ठीक है, एक बनाना, वे प्रोटीन वगैरह सब देख लिया आपने, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने वाला हूँ एक्स्ट्रा में। मैं एग्स में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर डालने वाला हूँ, और कुछ नहीं डालने वाला, क्योंकि एग्स में ऑलरेडी सोडियम होता है, तो नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और वे प्रोटीन पीने के साथ साथ मैं बनाना भी खा लूँगा, ताकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए, ठीक है। और साथ साथ मल्टीविटामिन्स भी खा रहा हूँ, एक टैबलेट बहुत है, ये इतना सा है, 3 या 4 पाउंड की थी, तो इसमें 180 टैबलेट्स हैं, तो मैं रोज़ एक खाता हूँ, 2 खाने की जरूरत पड़ती नहीं है। फिर राज भी और राज बहन है अभी उठना है, और आएंगे भी खाना खाने के लिए, तो उनके लिए भी जीरे वाला आलू बना रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इजी टू कुक है। खाना बनाते बनाते साथ ही साथ शेक भी पी लूँगा, और मैं आपको बीच में बता दूँगा कि मैं क्या रेसिपी यूज़ करता हूँ अपने एग्स बनाने के लिए। जीरा आलू की सबसे इजी रेसिपी पता क्या है, जीरा डालो गरम तेल के बीच में, ठीक है, उसके बाद आपने डालना है सीधा आलू, और उसके ऊपर हल्के से मसाले, कोई मुश्किल से भी थोड़ी है, बढ़िया है, मस्त है, बहुत अच्छी है, ट्राई करना। तो भाई अंडा बन चुके हैं, ठीक है, ये 8 eggs है, बाकी तो भाई जो रंग है वो काफ़ी अच्छा चढ़ चुका है भाई, बाकी मैं तो ट्राई करने नहीं वाला, मेरे को तो भाई बिल्कुल भूख नहीं है इतनी कुछ खास, जो एग्स पड़े हैं वही खाऊंगा, दैट्स इट। फिलहाल यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक। और हाँ, 10 days जो मेरा चैलेंज चल रहा है ना डेली ब्लॉगिंग का, भाई मुश्किल तो है लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं है, ज़रूर पूरा करूँगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी हुई है, ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मेक श्योर गिव इट अ लाइक, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को, और तो अपना फेवरेट पार्ट भी ज़रूर कमेंट करना, और कुछ भी क्वेरी हो या लाइक कोई भी सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, या तो मुझे DM कर लो इंस्टाग्राम पर, या तो फिर मुझे कमेंट कर लो मेरे वीडियो पर, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।